नमस्ते, कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था और बहुत लोग मुझसे एक सवाल बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो करवा लिया है लेकिन फिर भी मेरा जो दांत का दर्द है ना वो जा नहीं रहा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो करवा लिया है लेकिन कुछ दिन या कुछ महीने तक तो ठीक रहा लेकिन उसके बाद फिर से मेरा दर्द होने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी दर्द लोगों को आखिर क्यों होता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इन द डेंटल ट्रैवल व्लॉग। आपको दांत में दर्द हो रहा है कुछ दिनों से और आप सोच रहे हैं यार कब तक हम दर्द सहेंगे, चलो डॉक्टर के पास इसका इलाज करा लेते हैं। डॉक्टर के पास आप जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है, एक्सरे करता है और डेंटिस्ट फिर आपको बताता है कि इस दांत का तो आरसीटी करना पड़ेगा। तो आप बोलते हैं सर चलिए आरसीटी तो कर दीजिए, बस मेरा दर्द खत्म हो जाना चाहिए। जब आप आरसीटी करवा लेते हैं उसके बाद जो है कुछ दिनों तक जो है हल्का फुल्का पेन होता है और वो अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन आरसीटी करने के बाद कुछ लोगों का जो है दर्द खत्म नहीं होता है, वो बना रहता है। फिर ये सोचते हैं यार आरसीटी कराने का क्या फायदा, एकदम वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, आरसीटी नहीं करानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। ज्यादातर लोगों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद उनका दांत का जो दर्द है ना वो खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का जो दांत का दर्द है ना वो बना रहता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए एक एक करके मैं आपको कारण बताता हूं। पहला जो कारण है वो है आपके दांत में जब दर्द कर रहा है आपने क्या किया, दवाई ले लिया, कहीं से भी मेडिकल स्टोर से ले लिया या किसी ने कुछ बता दिया, आपने खा लिया, ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर दांत में दर्द किया, दवाई खा लिया, फिर ठीक कर लिया। फिर ऐसे ही आप क्या करते हैं दो तीन बार रिपीट कर लेते हैं। आखिरी में क्या है, जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब आप जो है डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है। जो इन्फेक्शन जो शुरुआती स्टेज में बहुत थोड़ा सा था वो काफी ज्यादा हो जाता है। जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाता है उससे क्या होता है, जो आपका इन्फेक्शन है वो काफी हद तक कम हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो हीलिंग पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि इतने टाइम से वो ऐसे ही चल रहा है, आपने दवाई खा के दबा दिया लेकिन अंदर का इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ। इसे हम बोलते हैं क्रोनिक लीजन। इसकी वजह से भी जो है आपको दांतों में आरसीटी करने के बाद पेन होता है। सेकेंड रीजन क्या होता है, जब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है डेंटिस्ट क्या करता है, अपना 100% देता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसका अच्छा हो जाए। लेकिन कुछ चीजें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद भी जो कैनाल होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं या कुछ बैक्टीरियाज रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में इंफेक्शन हो जाता है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आपको दांत में पेन होने लगता है। तीसरा रीजन होता है, जब भी आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और वो फाइनल होने जा रहा है, मतलब कि लास्ट स्टेप जो होता है वो ऑब्चुरेशन का होता है, एक आर्टिफिशियल नस आपके जड़ के अंदर डाली जाती है जिसे हम बोलते हैं गटा पर्चा। जब बहुत लोग क्या करते हैं आरसीटी कर लेते हैं और उसके बाद फाइनल एक्सरे नहीं करते हैं, उसमें क्या होता है जो आपकी रूट की लेंथ है, मान लीजिए जो एकदम एंड पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं रूट के एंड को एपेक्स, एपेक्स के बाहर जो है आपका गटा पर्चा जो जीपी होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है बाद में और हल्का हल्का पेन बना रहता है। चौथा रीजन होता है, आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो करवा लिया, आपका दर्द भी खत्म हो गया। कैप जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने कैप नहीं लगाया तो आपका दांत बाद में जाकर के टूट जाएगा। आपने कैप लगा लिया, कैप में क्या होता है कि जब भी आप बाइट कर रहे हैं, खाना चबाते हैं, तो सबसे पहले आपका वो कैप टकराता है, आर्टिफिशियल क्राउन टकराता है, उससे क्या होता है उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, एक्सेस प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके दांतों में दर्द होने लग गया। फिर आप क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, सर जो आपने ये कैप लगाया इसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। पेन क्यों हो रहा है, हाई पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि वो क्राउन जो है थोड़ा सा ऊंचा है और जब आप बाइट कर रहे हैं, जब चबा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है उसी क्राउन पे लग रहा है।
डेंटिस्ट क्या करता है, हाई पॉइंट को चेक करता है और उसे उस पॉइंट को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आपका दोनों तरफ का जो दांत है ना एक प्रॉपर बंद होता है और प्रॉपर बैलेंस मेंटेन हो जाता है। एक और रीजन ये भी होता है कि जब भी आप गिर जाते हैं या कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपके दांतों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उस केस में क्या होता है, जो दांत के अंदर पल्प होता है वो डैमेज हो जाता है और आपका दांत जो है धीरे धीरे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप क्या कराते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और उस पे कैप लगवा लेते हैं। लेकिन जब भी आप खाना खाने जा रहे होते हैं, जब उस दांत का इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं, तो आपको हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, एक हल्की सी फ्रैक्चर लाइन हो जाता है, एक्सरे में भी वो फ्रैक्चर लाइन दिखाई नहीं देता, आइडेंटिफाई डॉक्टर नहीं कर पाता क्योंकि उसमें दिखाई नहीं देता है। वो क्या करता है, आपके दांत को कमजोर कर देता है और जब भी आप उस दांत को यूज करते हैं खाना खाने में तो वो आपको हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे मेरे पास भी आते हैं कि इन्होंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो करा लिया पेशेंट ने, लेकिन उसके बाद कैप नहीं लगाया, या फिर पेशेंट ने नहीं लगवाया, या फिर डॉक्टर ने नहीं बताया, कोई भी रीजन हो, लेकिन आरसीटी करने के बाद कैप लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रूट कैनाल जब हम करते हैं जो दांत का जो जड़ होता है वो तो मजबूत हो जाता है, लेकिन जो क्राउन पोर्शन है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, उसको बचाने के लिए हम कैप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप कोई हार्ड फूड खाते हैं तो उस दांत पे प्रेशर पड़ेगा तो वो दांत टूट जाता है, अगर वो दांत टूट गया तो आपको दर्द करेगा ही करेगा, इसलिए कैप लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत लोग जो है आरसीटी कराने के बाद नहीं लगाते हैं। एक और रीजन ये भी होता है कि अगर आपने कैप नहीं लगाया है रूट कैनाल करने के बाद, तो जब हम रूट कैनाल अंदर मटेरियल डाल देते हैं टूथ के अंदर, फिर ऊपर से फिलिंग कर देते हैं, जब हम फिलिंग कर देते हैं तो फिलिंग कब तक चलेगा, साल चलेगा, दो साल चलेगा, तीन साल चलेगा, कभी ना कभी तो फिलिंग निकलेगा ना, जब वो फिलिंग हट जाता है अंदर की दवाई सारी निकल जाती है तो पूरा एक जो है ना होल जैसा बन जाता है और जब भी आप खाना खाएंगे पूरा का पूरा जो है उसके अंदर भर जाएगा, जब भर जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको दर्द होने लगेगा, फिर आप बोलोगे रूट कैनाल तो करवाया था पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं और उनमें जो रूट होती है वो कभी एक भी होती है, दो भी होती है, कभी तीन भी होती है, कभी चार भी होती है। जब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं, मान के चलिए आपका एक दांत है जिसमें दो जड़ें हैं, ठीक है, दोनों जड़ों में क्या होता है अच्छे से क्लीन करना पड़ता है और फिर गटा पर्चा जो जीपी होता है जो आर्टिफिशियल नस होती है वो अंदर डालते हैं, उसे पैक कर देते हैं। ऐसे केसेस मैंने बहुत सारे देखे हैं कि मान के चलिए दो जड़े हैं, एक जड़ की सफाई कर दी, एक जड़ में हमने जीपी डाल दी, आर्टिफिशियल नस डाल दिया, दूसरे को कुछ किया ही नहीं, मतलब या मिला नहीं या छोड़ दिया, कुछ भी हुआ, उसके बाद ऊपर से फिलिंग कर दी, कैप लगा दिया, आदमी जब खाना खाने लगा तो उसको दर्द करने लगा। एक और रीजन ये भी होता है, मान के चलिए आपका जो जड़ है वो 10 mm की लंबाई है, ठीक है, डॉक्टर ने 7 mm तक सफाई किया, जो 10 mm की लंबाई है 7 mm तक सफाई किया, 3 mm छूट गया, जो 3 mm छूट गया उसके अंदर नस रह गई, टिश्यूज रह गए, ब्लड वेसल्स रह गए, वो वाइटल तो थे, मैं जान तो है उसके अंदर क्योंकि उतना पोर्शन में रह गया, पैक कर दिया, कैप लगा दिया, कुछ दिन ठीक रहा, उसके बाद पेन होने लगा, पेन इसलिए रह गया क्योंकि वो कंप्लीट तरीके से सफाई नहीं हुई है। अगर 10 mm की लंबाई है तो 10 mm तक दवाई जानी जरूरी है, ना 7 mm, ना 8 mm, ना 9 mm, 10 है तो 10 है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, कम भी नुकसान करेगा ज्यादा भी नुकसान करेगा। होप सो आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा, आरसीटी करने के बाद क्यों दर्द होता है, ये कुछ रीजंस हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।